हेलो एवरीवन, मैं हूं जगनारायण और स्वागत है आपका क्लास 2+ यूट्यूब चैनल में। आज के करंट अफेयर्स के सेशन में हम लोग 26 और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स देखेंगे और हम लोग आ चुके हैं कल के एक बार से के 13वें सेशन में। तो आइए आज का सेशन हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं। देखिए, तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व एवरी ईयर। वर्ल्ड मलेरिया डे प्रत्येक साल कौन से दिन को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास 17 अप्रैल, 18 अप्रैल, 13 अप्रैल, 25 अप्रैल और 24 अप्रैल। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को एवरी ईयर वर्ल्ड मलेरिया डे ऑब्जर्व किया जाता है। वर्ल्ड मलेरिया डे जो है ग्लोबली 25 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और इसे WHO द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है। वह इस बार के वर्ल्ड मलेरिया डे का जो थीम है वो है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। ये 2019 का भी थीम था और इस बार का भी थीम यही है, जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी। WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है, स्विट्जरलैंड में, और इसके जो डायरेक्टर जनरल है टेड्रस एदानोम। आप इसमें अदर ऑप्शन भी दे सकते हैं जैसे 13 अप्रैल, ठीक है, या 24 अप्रैल को आप लोग जानते हैं कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस ऑब्जर्व किया जाता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। 17 अप्रैल को हिमाचल डे ऑब्जर्व किया जाता है। 13 अप्रैल को आपका ऑब्जर्व किया जाता है जालियांवाला बाग मैसेकर डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो अदर चार ऑप्शन में आप ऐसे देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ग्लोबली कौन से डे को ऑब्जर्व किया जाता है? ऑप्शन है 24 अप्रैल, 25 अप्रैल, 8 अप्रैल, 18 अप्रैल और 28 अप्रैल। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है बी, 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है, और इसमें जो होते हैं पूरे यूनाइटेड नेशन के जो कंट्री होते हैं, जो मेंबर्स हैं वो हैं पूरे, तो यूनाइटेड नेशन के टोटल जो मेंबर्स हैं वो 197 कंट्रीज आती हैं टोटल, ठीक है, तो 197 कंट्रीज हैं, तो इस वो 197 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करती है। पार्टिसिपेट करने का मेन रीजन क्या है? पार्टिसिपेट करने का मेन रीजन है कि वो अपनी कोऑपरेशन दिखाएं, ठीक है, कि हम लोग एक दूसरे से कैसे कोऑपरेट करके चल रहे हैं हर चीजों में, इसलिए ये ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। देखिए, तो जनरल सेक्रेटरी है यूनाइटेड नेशन के एंटोनी गुटरीज, ये डायरेक्टर सेक्रेटरी जनरल है यूनाइटेड नेशन के, और यूनाइटेड, ये जो मैंने बताया कि यूनाइटेड नेशन का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को ऑब्जर्व हुआ था। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT है डेवलप ए वेब बेस्ड सर्विस प्रकृति टू प्रेडिक्ट द स्प्रेड ऑफ COVID-19 इन इंडिया डिस्ट्रिक्ट वाइज। कौन से ऐसे IITs हैं जिन्होंने प्रकृति नाम के एक वेब बेस्ड सर्विस से चालू किया है जो जो COVID-19 के स्प्रेड को प्रेडिक्ट करेगा कि इंडिया में अभी कितना COVID-19 स्प्रेड हुआ है और डिस्ट्रिक्ट वाइज। ऑप्शंस है IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर और नन ऑफ दीज। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है IIT दिल्ली। IIT दिल्ली ने हाल ही में प्रकृति नाम की एक वेब बेस्ड डैशबोर्ड स्टार्ट किया है। आइए इसके एप्लीकेशन इसके बारे में जानते हैं कि क्या है। देखिए, IIT दिल्ली ने इसको एस्टेब्लिश किया है। इसका एस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया है? एस्टेब्लिशमेंट किया गया है कि ताकि ये इसका प्रिडिक्शन कर सके कि कितने COVID-19 स्प्रेड हुआ है। डेटाबेस कैसे लेंगे, डेटाबेस अपने कहाँ से लेंगे ये भी पता चल जाएगा। देखिए, ये मोबाइल फ्रेंडली डैशबोर्ड है, ठीक है, इसका प्रकृति का जो फुल फॉर्म है, प्रकृति का फुल फॉर्म है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। तो कई बार देखिए ऐसे ऑप्शन देकर पूछ दिया जाता है कि टी का मीनिंग क्या है, तो टी का मीनिंग क्या है, ट्रांसमिशन, ठीक है, फर्स्ट आई का मीनिंग क्या है, तो इन्फेक्शन, ए का मीनिंग क्या है, ए का मीनिंग है असेसमेंट, और PR प्रेडिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिटेल्स ऑफ स्टेट वाइज एंड डिस्ट्रिक्ट वाइज प्रेडिक्शन ऑफ COVID-19 केसेस इन इंडिया फॉर अ 3 वीक्स पीरियड, तीन वीक के पीरियड के लिए देगा, विच इज अपडेटेड ऑन वीकली बेसिस, जो वीकली बेसिस पे अपडेट करेगा।
अब प्रकृति जो है ये क्या करता है, आरओ वैल्यू डिसाइड कर देता है ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट बेस्ड ऑन डेटा अवेलेबल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की वेबसाइट पे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इनके वेबसाइट पे जो डेटा होगा इन्हीं की डेटा को लेकर ये काम करेगा, और उसमें ये बताएगा कि कितना अभी स्प्रेड हुआ होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज। ओके, तो ये काफी हेल्पफुल है कि COVID-19 को स्प्रेड होने से रोकने के लिए, और काफी मुझे जहां तक लग रहा है कि ये काफी हेल्पफुल होगा, और काफी अच्छे से प्रेडिक्शन यदि हो सकता है तो हम लोग उसको मतलब टेस्ट में हम लोग स्पीड बूस्ट कर सकते हैं कि हाँ और ज्यादा टेस्ट करने की हमें जरूरत है। नेक्स्ट देखते हैं, विच स्टेट गवर्नमेंट है कोमेमोरेट्स कोंजम डे। ऑप्शन है मणिपुर, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नैनब देश। देखिए, तो ये नॉर्थ ईस्ट की एक स्टेट है, ठीक है, जिसने कोंजम डे अब मनाया है हाल ही में, तो कौन सा स्टेट है ये जानते हैं। तो ऑप्शन है मणिपुर। देखिए, मणिपुर गवर्नमेंट ने कोंजम डे ऑब्जर्व किया है, ये किसके वार मेमोरियल कॉम्प्लेक्स है, ये थौम्बल जगह का नाम है, थौम्बल मणिपुर में, ये उनके लिए है जो एंग्लो मणिपुरी मणिपुरी वॉर में 1891 या 1891 में जो लोग शहीद हुए थे उनके याद में ये डे मनाया जाता है। अब आपको कुछ चीजें इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है, जैसे चीफ मिनिस्टर मणिपुर के कौन है, तो एन बीरेन सिंह है, ठीक है, गवर्नर कौन है, नजमा हेपतुल्ला है, और नेशनल पार्क जो है ये केबुल लैमजो नेशनल पार्क, लैमजो नेशनल पार्क जो है एकमात्र ऐसा है कि इसको हैंगिंग गार्डन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट है जो स्टार्टेड विद इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट। किस स्टेट गवर्नमेंट ने, किस राज्य सरकार ने विद इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट का इनोग्रेशन किया है, स्टार्ट किया है। ऑप्शन है केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। देखिए, जिस स्टेट गवर्नमेंट ने भी स्टार्ट किया है, ये ऐसा फर्स्ट स्टेट होगा जिन्होंने वर्चुअल कोर्ट्स का स्टार्ट किया, स्टार्ट किया है। तो इसके करेक्ट आंसर है क्या, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऐसा स्टार्ट किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश जो है फर्स्ट ऐसा स्टेट होगा जो सॉफ्टवेयर बेस्ड इन हाउस फैसिलिटी ऑफ वर्चुअल कोर्ट से स्टार्ट किया है। ठीक है, इसे रिक्वेसाइट इसे कहाँ पे, इलाहाबाद कोर्ट में इसे पहले टेस्ट किया गया। ऑल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश टू हियर केसेस थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एज देयर इज लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 पेंडेमिक आउटब्रेक। देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं और इलाहाबाद कोर्ट है, इसमें इसको सबसे पहले किया गया, और फिर ये क्या हुआ कि उत्तर प्रदेश के जितने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या करेंगे कि हियरिंग, जो भी हियरिंग होगा कोर्ट की हियरिंग, उसको ये लोग इस ऐप के थ्रू देंगे। तो फीचर्स इसके देखते हैं, ऐप का फीचर क्या क्या है। देखिए, इस ऐप के थ्रू मल्टीपल कोर्ट कंडक्ट मल्टीपल कोर्ट्स प्रोसीडिंग थ्रू वर्चुअल कोर्ट्स विद इन द कोर्ट्स प्रीमाइसेस विदाउट एनी इंटरनेट कनेक्शन। इसमें कोई इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है, जो आपका स्पेस है उसी में ये आपका इसी उसी में ये चल सकता है, और बिना इंटरनेट कनेक्शन के, बिना कोई इंटरनेट कनेक्शन के चलेगा। ठीक है, और एक बार में मल्टीपल कोर्ट्स इसमें चल सकते हैं इस ऐप के थ्रू, मतलब जैसे कई जगह पे एक ही बार में काम हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कई सारी डिस्ट्रिक्ट है, तो एक बार में इसी ऐप के थ्रू कई सारे डिस्ट्रिक्ट, मतलब ये ऐप है अपना, और इस ऐप पे बहुत सारे कोर्ट्स एक साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, देखते हैं ये जो सर्विसेज है, कई लोगों को होगा कि ये सर्विसेज सिक्योर नहीं होगी, तो ये सर्विस पूरी सिक्योर है। ठीक है, सिक्योर है, कनेक्टिविटी इन फ्लॉलेस एंड ओनली एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर वॉज यूज, नो एडिशनल कॉस्ट वेयर इनकर्ड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी। देखिए, बोला गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाया गया फैसिलिटी को प्रोवाइड करने में, कोई एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है। विच टेली कम्युनिकेशन कंपनी हैज लॉन्च रिचार्ज साथी प्रोग्राम विद पेटीएम। देखिए, एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी है जिन्होंने रिचार्ज साथी प्रोग्राम पेटीएम के साथ शुरू किया है, ये कौन सी टेलीकॉम कंपनी है। ऑप्शन है एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, टाटा डोकोमो, जियो और नॉन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वोडाफोन आइडिया। देखिए, वोडाफोन आइडिया
आइडिया जो है उसने पेटीएम के थ्रू रिचार्ज साथी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो हेल्प करेगा इंडिविजुअल और स्मॉल बिजनेसेस को एक्स्ट्रा इनकम के लिए, एक्स्ट्रा इनकम के लिए। ठीक है, ये कैसे होगा? द प्रोग्राम विल एनेबल एनी पेटीएम कस्टमर, किसी पेटीएम कस्टमर को क्या करेगा, वो रजिस्टर करेगा टू स्टार्ट सेलिंग वोडाफोन एंड आइडिया रिचार्ज। वो क्या करेगा, वोडाफोन आइडिया रिचार्ज, आइडिया के रिचार्ज को स्टार्ट करेगा पेटीएम के थ्रू। ठीक है, और उसके बाद वो क्या करेगा, डाउनलोड सेलिंग मोबाइल रिचार्ज बाय डाउनलोडिंग एंड रजिस्टरिंग ऑन पेटीएम ऐप। पेटीएम ऐप को डाउनलोड करने के बाद वो रिचार्ज करना शुरू कर देगा। इससे उसके जो क्या होगी, कुछ तो कैशबैक उसके पास होंगे, कैशबैक आएंगे तो उससे उसकी इनकम हो जाएगी। और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग मिनिमम 5,000 एवरी मंथ सो इनकम कर सकता है फॉर देयर लेवलीहुड, अपनी लेवलीहुड के लिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है कि जो खासकर जैसे रूरल एरिया में इसका प्रॉब्लम होता है रिचार्ज कूपन वगैरह का, तो ऐसे लोग स्टार्ट कर सकते हैं और वहां से ये क्या कर सकते हैं कि कम से कम मिनिमम एक्स्ट्रा अर्निंग उनकी हो जाएगी 5 से 7 हज़ार, लगभग 5 हज़ार रुपये तक। ठीक है, यदि मल्टीपल और फ्रिक्वेंटली रिचार्ज होते हैं तो। ओके, आगे आते हैं। तो देखिए, मार्केटिंग डायरेक्टर वोडाफोन आइडिया के जो है वो कौन है, अवनीश खोसला है मार्केटिंग डायरेक्टर। और आप लोग पेटीएम के बारे में भी जानना चाहेंगे तो पेटीएम के एमडी और सीईओ हैं सतीश कुमार गुप्ता, और इसके जो चेयरमैन है, फाउंडर है विजय शेखर शर्मा। हम लोग लास्ट वीडियो में भी इसका डिस्कस कर चुके हैं। और पेटीएम का हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और ये पेटीएम का फाउंडेशन कब हुआ था, 2010 में हुआ था, तो लगभग अभी 10 ईयर्स उसके होने जा रहे हैं। ई कार्यालय ऐप हैज बिन लॉन्च्ड बाय, ई कार्यालय ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, सीआईएसएफ द्वारा, एयरफोर्स द्वारा, बीएसएफ द्वारा, सीआरपीएफ द्वारा, आरपीएफ द्वारा। इसमें से पांचों में से किस ऐसी संस्था ने ई कार्यालय ऐप लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर है सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसे लॉन्च किया है। सेंट्रल इंडस्ट्रियल फोर्सेस ने इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये अपने इट इज द नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी फोर्स, नेशनल सिविल एविएशन सिक्योरिटी फोर्स है। इनकी सर्विसेज हैं 63 एयरपोर्ट्स पे हैं, और इसके अलावा ये दिल्ली मेट्रो में भी अपने गार्ड्स प्रोवाइड करते हैं। और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर और एयरफोर्स और न्यूक्लियर डोमेन, न्यूक्लियर स्पेस और न्यूक्लियर डोमेन वाले जगहों पे भी ये सीआईएसएफ के ही जवान रहते हैं। इसको इस्टेब्लिश किया गया था, एस्टैब्लिश अंडर द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट 1968 के तहत इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1969 में। ठीक है, ये आता है होम मिनिस्ट्री का, फिर होम मिनिस्ट्री, होम अफेयर्स के मिनिस्ट्री में आता है। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया। ठीक है, राजेश रंजन इसके डायरेक्टर जनरल है, और अमित शाह आप जानते हैं कि हमारे यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, अपने अमित शाह जी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिसेंटली ग्रेमी वॉटसन फॉर्मर ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर पास्ट अवे, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? हाल ही में ग्रेमी वॉटसन जो कि एक ऑलराउंडर क्रिकेट प्लेयर थे, उनका निधन हो गया, वे किस कंट्री को बिलोंग करते, किस कंट्री से थे? ऑप्शन है इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे प्रति वर्ष पूरे विश्व में कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 4 अप्रैल, 5 अप्रैल, 7 अप्रैल, 10 अप्रैल और 26 अप्रैल। किस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 26 अप्रैल। देखिए, 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे अब मनाया जाता है। इसे क्यों मनाया जाता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। देखिए, इसे मनाने के पीछे रीजन क्या है, इसके मनाने के पीछे रीजन है कि देश में जो भी इंटेलेक्चुअल है यानी जो भी बुद्धिजीवी हैं, वो जब कुछ काम करते हैं तो आप लोग जानते हैं कि उसका उन्हें पेटेंट मिलता है। तो उस पेटेंट की वैल्यू को बताने के लिए कि हाँ इसका क्या वैल्यू है, क्या महत्व है, ये सब, और कॉपीराइट के लिए ही ये डे मनाया जाता है। तो देखिए, इसे मनाता है कौन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है विपो, ये 2000 में बनाया गया था, 2000 साल में, और एवरी ईयर 26 अप्रैल को मनाया जाता है। देखिए, अब जैसे मैंने बोला, रेज अवेयरनेस ऑफ हाउ पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन इम्पैक्ट ऑन डेली लाइफ,
and to celebrate creativity and the contribution made by creators and innovators to develop the development of societies across the world. देखिए जो भी हमारे पास innovators हैं, creators हैं, वो अलग अलग चीजें करते हैं, हर क्षेत्र में करते हैं, चाहे वो environment के क्षेत्र में हो या फिर आपके फैशन के क्षेत्र में हो या टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो. तो जो भी उनको पेटेंट मिलता है, ठीक है, या जो भी कॉपीराइट्स उनके होते हैं, तो उसका क्या वैल्यूज है, इसको समझने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है. इस बार का जो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे का थीम है वो है इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर. देखिए इसका थीम कितना अच्छा है, इनोवेट फॉर अ ग्रीन फ्यूचर, ये इसका थीम है, ठीक है. और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. इसके जो सीईओ हैं, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हैं, फ्रांसिस गुड़ी हैं. अब देखिए अदर ऑप्शन में आते हैं. 4 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 4 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल माइन अवेयरनेस डे. 5 अप्रैल को मनाया जाता है नेशनल मैरिटाइम डे. 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है. 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे या वर्ल्ड शिवलिंग डे मनाया जाता है. ओके, तो इस तरह से आप चीजों को देख सकते हैं. आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ऑब्जर्व एवरी ईयर ग्लोबली इन विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक प्रत्येक साल किस महीने में मनाया जाता है. ऑप्शन है मार्च, अप्रैल, फरवरी, जनवरी और मई. देखिए तो इसका करेक्ट आंसर है अप्रैल. एवरी ईयर अप्रैल के लास्ट वीक में इसे मनाया जाता है, ठीक है. और इसे वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो अब मनाया जाता है, ये WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, ठीक है. तो इस बार जो वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है वो 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जाएगा. वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक है जो एवरी अप्रैल, ये क्यों मनाया जाता है, टू इनकरेज द यूज ऑफ वैक्सीन इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पीपल ऑफ ऑल अगेंस्ट डिजीज. देखिए इसको बनाने के पीछे मेन रीजन क्या है, इसमें इस दिन इस वीक में जो भी पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं उनको ये बताने के लिए कि वैक्सीन को यूज करना कितना इम्पोर्टेंट है और किसी भी डिजीज से बचने के लिए, ठीक है. इम्यूनाइजेशन इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट सक्सेसफुल एंड को इफेक्टिव हेल्थ इंटरवेंशन, बट स्टिल देयर आर अराउंड 20 मिलियन चिल्ड्रेन इन द वर्ल्ड टूडे हु आर नॉट गेटिंग द वैक्सीन एज पर देयर नीड. देखिए पूरे वर्ल्ड में लगभग 20 मिलियन ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, 20 मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनको आज भी किसी किसी डिजीज के लिए वैक्सीन नहीं प्रोवाइड कर पा रही है गवर्नमेंट, ठीक है, या उनको जो वैक्सीन की जरूरत है वो नहीं प्रोवाइड किए जा रहे, ठीक है. तो अभी इस बार के जो वर्ल्ड वैक्सीन डे है, थीम है उसका है हैशटैग वैक्सीन फॉर ऑल, ये इसका थीम है. तो ये ध्यान रखिएगा. अभी आप लोग जानते हैं कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है. और इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो भी आप जानते हैं, टेंड्रस एडनम है. आगे देखते हैं. देखिए इस बार पंचायती ई ग्राम स्वराज पोर्टल एंड मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था पंचायती राज दिवस के दिन, यानी 24 अप्रैल के दिन, ठीक है. ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, श्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है. तो देखिए एक यूनिफाइड पोर्टल है और न्यू इनिशिएटिव ऑफ न्यू पोर्टल पंचायती राज विच विल प्रोवाइड ग्राम पंचायत विद अ सिंगल इंटरफेस टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट देयर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान GPDP आप बोल सकते हैं, ठीक है. ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को ये क्या करेंगे, बनाएंगे और इस पे इस ऐप के थ्रू आप बता सकते हैं कि क्या है. विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्टल एंड ऐप, देखिए ये पोर्टल और ऐप के थ्रू क्या होगा, विलेजर्स ऑफ द कंट्री विल बी एबल टू कीप ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन देयर स्मार्टफोन. अपने स्मार्टफोन के जरिए सभी तरह के इंफॉर्मेशन को रख पाएंगे. दिस इज बींग सीन एज द बिगिनिंग ऑफ डिजिटाइजेशन ऑफ पंचायत. ये जो है पंचायतों का डिजिटाइजेशन, डिजिटल करने का ये एक शुरुआत अभी हुई है. द इंफॉर्मेशन ऑफ द ग्राम पंचायत देयर फंक्शनिंग विल बी अवेलेबल टू द विलेजर्स. इस ऐप पे क्या होगा, ग्राम पंचायत की इंफॉर्मेशन, उनके जो कार्य हैं, वो सब जो काम हो रहे हैं, वो सब इस पे ऐप पे अवेलेबल रहेंगे. दिस विल ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी. इससे क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगा और जो भी काम हो रहा है उसमें स्पीड आएगा.
ठीक है, तो उसको जल्दी से काम को या जो भी प्रोजेक्ट चल रहा हो उसको फिनिश किया जा सकता है। इसके अलावा स्वामित्व स्कीम भी बनाया गया। स्वामित्व स्कीम क्या है? स्वामित्व स्कीम का मतलब जानते हैं कि ये जो स्कीम लॉन्च किया गया है, ये भी 24 अप्रैल को ही लॉन्च किया गया है पंचायती राज डे पे। तो 24 अप्रैल को ये लॉन्च किया गया है, तो क्या है, देखिए, द स्कीम प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड प्रॉपर्टी वैलिडेशन सोल्यूशन फॉर रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में ज्यादातर देखिए प्रॉपर्टी को लेकर बहुत सारे डिस्प्यूट्स होते हैं, तो इस डिस्प्यूट को मिटाने के लिए ये स्वामित्व स्कीम शुरू किया गया है। तो होगा क्या, देखिए, जो भी विलेज है उनको ड्रोन के थ्रू इसका मैपिंग लिया जाएगा। प्रॉपर्टी देखिए, यूजेज ड्रोन इन मैपिंग ऑफ प्रॉपर्टी इन विलेज। जो भी गांव है, तो गांव में जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी रूरल ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी लैंड है, उसका क्या किया जाएगा, मैपिंग लिया जाएगा ड्रोन के थ्रू। दिस विल एंड कंफ्यूजन एंड क्वारल ओवर प्रॉपर्टी। देखिए साफ लिखा गया है, जो भी इसमें कंफ्यूजन हो गया, जो भी झगड़े हैं, वो इसके ऊपर उसको ये खत्म करने के काम में आएगा। दिस विल हेल्प इन प्लानिंग डेवलपमेंट वर्क इन विलेज। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा जो भी डेवलपमेंट वर्क है, यदि लोग बोलते हैं कि जमीन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं है, तो यदि आपके गवर्नमेंट के पास ये एक मैप रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये चीज हम लोग शुरुआत कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि ये अच्छा ही है कि डेवलपमेंट के लिए प्लान कर सकते हैं गवर्नमेंट के, हाँ यहाँ पे ये काम किया जा सकता है, किसी विलेज में कोई एक काम कुछ भी स्टार्टअप करना हो तो किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा क्या होगा, लाइक इन सिटी, जैसे सिटी में पीपल विल बी एबल टू टेक लोन फ्रॉम बैंक इवन इन विलेज। जैसे देखिए कई सारे गाँव में बैंक ही नहीं है, तो यदि बैंक ही स्टार्ट करना हो तो वहाँ बैंक, यदि आपके पास अच्छा सही तरह से गाँव का प्लान है, तो वहाँ पे बैंक वगैरह भी स्टार्ट किए जा सकते हैं, जिससे लोगों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी और वहां से जाकर बैंक से लोन ले सकते हैं। अब देखिए ये किसके द्वारा लिया गया, इट हैज बीन डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, इन कोलाबरेशन विद सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, यूजिंग द लेटेस्ट ड्रोन बेस्ड सर्वे टेक्नोलॉजी। देखिए इसमें कौन कौन से मिनिस्ट्री शामिल है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है, सर्वे ऑफ इंडिया एंड स्टेट पंचायती राज है, राज डिपार्टमेंट है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। ये तीनों मिनिस्ट्री मिलकर, तीनों डिपार्टमेंट मिलकर ड्रोन बेस्ड टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये सर्वे करेंगे, और उस सर्वे के थ्रू जो भी इनको डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा वो बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल में ये जो पायलट मोड प्रोजेक्ट पे रखा गया है 6 से 6 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा और उत्तराखंड। देखिए इसे याद रखना है कि कौन से 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, हरियाणा और उत्तराखंड में। इसके बाद यदि इस पे ये सक्सेसफुल होता है तो अदर राज्यों में भी इसे लागू किया जाएगा, अदर, ठीक है, और पूरे कंट्री में फिर लागू किया जाएगा। अब ये क्वेश्चन बनता है कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के मिनिस्ट्री कौन है, तो ये आप लोग जानते हैं कि श्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। इन्होंने कई सारे ऐप भी लॉन्च किए हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स ऑफ अप्रैल। अप्रैल के इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स कौन से हैं, 1 अप्रैल को देखिए अप्रैल फुल ऑब्जर्व किया जाता है, 4 अप्रैल को नेशनल माइन अवेयरनेस डे, 5 अप्रैल को नेशनल मैरेंटाइन डे, इसके अलावा 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे ऑब्जर्व किया जाता है, 10 अप्रैल को वर्ल्ड होम्योपैथी डे, 10 अप्रैल को एक और डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड सिबलिंग डे या सिबलिंग डे भी बोल सकते हैं, 11 अप्रैल को नेशनल सेफ मदरहुड डे, 12 अप्रैल को एस्टर फेस्टिवल डे, 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग मैसेकरे, 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रिमेम्बरेंस डे, 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफिलिया डे, 18 अप्रैल को वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है, 17 अप्रैल को हिमाचल डे भी ऑब्जर्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा, 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक्स एंड कॉपीराइट डे, इसके अलावा वर्ल्ड इंग्लिश डे और वर्ल्ड स्पेनिश डे भी 23 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, 24 अप्रैल को नेशनल पंचायती राज डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और 26 अप्रैल को वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, 28 अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, 28 अप्रैल को, ये 28 अप्रैल को जो डे मनाया जाता है वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क के इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड मलेरिया डे कौन मनाता है, WHO द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे इसका खुद अपना संस्था है, वर्ल्ड इंटेल WIPO
विपो WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये खुद की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये लोग ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, ये जो है ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मनाया जाता है। वर्ल्ड वेटरनरी डे 28 अप्रैल को ही मनाया जाता है। आयुष्मान भारत दिवस ये मनाया जाता है 30 अप्रैल को। ठीक है, तो आते हैं आज के नेक्स्ट सेशन में। तो देखिए आज का क्वेश्चन है कि नेम द डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयरफोर्स एंड RAF रॉयल ऑस्ट्रेलिया एयरफोर्स विच हैज बीन रिसेंटली पोस्टपोन ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक COVID-19। आपको बताना है इंडियन एयर भारतीय वायुसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना के बीच रक्षा अभ्यास का नाम बताइए जिसे हाल ही में महामारी COVID-19 के प्रभाव के कारण स्थगित कर दिया गया है। आप इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और टेलीग्राम पे ज्वाइन करें। यदि आपको किसी भी तरह की डाउट्स हैं तो आप class2plus@gmail.com पर सेंड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में।